पूर्व प्रधानमंत्री एवं आयरन लेडी इंदिरा गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में करनाल जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से जाट भवन सेक्टर 12 में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में हरियाणा प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की एवं पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उनको श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर उन्होंने एक जनसभा संबोधित करते हुए कार्यकर्ताओं से इंदिरा गांधी के जीवन से प्रेरणा लेने का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि किस तरह इंदिरा गांधी हर चुनौती को स्वीकार करती थी और उसका हल निकाल देती थी, उसी तरह से कार्यकर्ताओं को भी कांग्रेस में रहकर हर चुनौती का हल निकालना है और पार्टी को मजबूत करना है। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रदेशाध्यक्ष कुमारी शैलजा ने कहा कि आने वाले दिनों में आर्थिक मंदी के खिलाफ एवं केंद्र सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ दिल्ली में नेशनल लेवल की रैली निकाली जाएगी और सरकार को चेताया जाएगा। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार नोटबंदी से लेकर अब व्यापारिक संस्थानों पर तालाबंदी तक आ पहुंची है और आर्थिक मंदी के कारण व्यापारी कंगाली की कगार पर पहुंच चुका है। उन्होंने कहा कि इस सरकार से हर आदमी त्रस्त है, प्रधानमंत्री विदेशों की यात्रा में व्यस्त है और सरकार ना तो देश तो रोजगार मुहैया करा पा रही है और ना ही आर्थिक मंदी को दूर कर पा रही है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज द्वारा जो पानीपत में पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करने का ड्रामा रचा जा रहा है, वह सिर्फ भाजपा लोगों को ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के हथकंडे अपना रही है। उन्होंने कहा कि यह कार्य सिर्फ पब्लिक सिटी के लिए किया जा रहा है, जबकि जमीन पर सरकार द्वारा कोई भी कार्य नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता द्वारा सरकार को कोई भी स्पष्ट बहुमत नहीं दिया गया, सिर्फ जोड़ तोड़ कर सरकार बनाई गई है, जिसको सभी लोग चंद दिनों के ही मेहमान बता रहे हैं। इस मौके पर कार्यक्रम के संयोजक सरदार त्रिलोचन सिंह, आसन से विधायक शमशेर सिंह गोगी, कांग्रेसी नेता बंताराम वाल्मीकि, युवा नेता सचिन कुंडू, जोगिंदर नली खुद, सपना राणा के अलावा पूरे जिले से पार्टी के वरिष्ठ नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। पीछे बैठे आपसे पहले प्रश्न कब जाएगा था, अपना अपना साथ है, मैत्री भाव का सब कुछ है कि आप कृपा करके पीछे चले तो सब अपने अपने जगह गए। हमारे बीच में पंडित कुलदीप शर्मा जी आए, मेहता जी आए और बाकी जितने ऑर्गेनाइजर थे, अनिल राणा जी हैं, बंता सिंह जी हैं, डॉक्टर साहब हैं और त्रिलोचन तो संभाल ही रहा है सारे प्रोग्राम को, सबका मैं स्वागत करता हूं और खास करके बहन जी का मैं बहुत बहुत स्वागत भी करता हूं, धन्यवाद भी करता हूं कि उन्होंने करनाल को इस प्रोग्राम के लिए टाइम दिया, जगह दी। और मेरी एक रिक्वेस्ट भी है उनसे, करनाल जो है ये सीएम का जिला है और मेरा उनसे अनुरोध है कि जब भी कोई प्रोग्राम बने तो करनाल को प्रेफरेंस देनी चाहिए। करनाल में हमारी लड़ाई जो है वो दूसरे जिलों से ज्यादा बड़ी है और इसका मैम क्या कहना चाहेंगे मैम आज के कार्यक्रम के बारे में? आज हमने करनाल में साथियों की इच्छा थी कि हम इंदिरा जी का जन्मदिन यहाँ पर मनाएं, तो हमारे साथियों ने यहाँ इस कार्यक्रम का आयोजन किया। मुझे बहुत खुशी है कि आज ना केवल हम कांग्रेसी अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छे दो वक्ता आए, मोदी जी आए, राम मोहन राव जी आए, उन्होंने इंदिरा जी के बारे में बहुत सी बातें सुनाई हमें और हम सब इंदिरा जी के जीवन से प्रेरणा लेकर जिस तरह से वो हर चुनौती का सामना करती थी, हम सभी कांग्रेसी आज उनसे प्रेरित होकर यही संकल्प लेकर जा रहे हैं कि हम भी उसी तरह से हर चुनौती का सामना करेंगे और सभी लोग मिलजुल कर कार्य करेंगे। ये बहुत दुख की बात है, बहुत दुख की बात है कि जिस तरह से इस परिवार ने देश के लिए बार बार कुर्बानी दी है, उस बात को, उस कुर्बानी को नज़रअंदाज करते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस परिवार की सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ किया है।
उसको डाउनग्रेड किया है, लेकिन देश इस परिवार के साथ है, सब कांग्रेस जन के साथ है। ये केवल यही दिखाता है कि इस सरकार की भारतीय जनता पार्टी की कितनी छोटी सी। मैम कल कैबिनेट की बैठक हुई थी, उसमें जो आवास भत्ता है मंत्रियों के लिए वो 50,000 से बढ़ाकर 80,000 कर दिया और 20,000 कर दिया। दूसरी तरफ ये केवल महंगाई नहीं, यहाँ प्रदेश का हर नागरिक आज के दिन त्रस्त है। आपने देखा जैसे ही ये सरकार बना रहे थे, इन्हें चिंता थी अपनी सरकार बनाने की अल्पमत में होते हुए, दूसरी ओर हमारा किसान मंडियों से बाहर कर दिया गया, मंडियों के गेट बंद कर दिए गए हमारे किसान के लिए, वो अपना धान लेकर बाहर खड़ा रहा, ना उसको कीमत मिल रही है, ना उसका धान खरीदा जा रहा है, साथ में मजदूर गरीब आदमी मारा जा रहा है, युवाओं को रोज़गार नहीं मिल रहा, इंडस्ट्री का जो हाल आप देख रहे हैं हमारे पड़ोस में, पानीपत की मिसाल ले लीजिए, वैसे तो सब जगह, तो ये जो एक आर्थिक मंदी है, इतना बड़ा संकट हमारे देश पर प्रदेश पर आ रहा है आर्थिक मंदी से, लेकिन ये सरकार तो इन चीज़ों से दूर है, भारतीय जनता पार्टी दूर है, इन्हें ये लगता है कि इस तरह की बातें करके ये अपनी सरकार बचा पाएंगे। मैडम आप प्रदर्शन कर रहे हो, आज अंबाला से आपकी शुरुआत है, शुरुआत तो हमारी पहले हो चुकी है, उसी श्रृंखला में आज अंबाला में भी है, कल सोनीपत में भी है, आज झज्जर में भी हो रहा है, तो ये हमारे हर क्या मुद्दे क्या है कि मुद्दों को लेकर पब्लिक बीच में 25 तारीख को हमारी स्टेट लेवल की है रेवाड़ी में, और उसके बाद दिसंबर में अभी तारीख बता देंगे हमारे ऑल इंडिया लेवल की रैली दिल्ली में होगी। जो आर्थिक मंदी इस सरकार ने हमारे देश पर, हमारे देश के नागरिकों पर थोपी है, इनकी गलत नीतियाँ जो कि नोटबंदी से शुरू हुई, अब तालाबंदी तक आ गए, तो ये इनकी गलत नीतियों के कारण हुआ है। आज हरेक नागरिक त्रस्त है, बुरा हाल है हमारे लोगों का, जनता का, लेकिन इन्हें फुर्सत नहीं विदेशों में घूमने से, इन्हें कोई फुर्सत नहीं है, इन्हें सोचने के लिए भी, ये सोचते हैं कि जनता का ध्यान बांटते रहे, लेकिन आज के दिन हरेक को इतनी ज़्यादा दिक्कत है, रोज़गार छूटते जा रहे हैं, युवाओं को समझ नहीं आ रहा क्या करें, ये देश को आर्थिक संकट की ओर, इमरजेंसी की ओर ले जा रही है गलत नीतियों के कारण। संगठन अभी जनवरी में हमारी मेंबरशिप ड्राइव जनवरी से शुरू हो जाएगी, और पूरा हमारा संगठन अच्छी तरह से मिलजुल कर सभी साथियों को साथ लेकर संगठन। मैडम एक रेड की गई है चलरों में, इसी को लेकर जो आपने सवाल उठाया है दांतों, क्या समझते हो आज रात पर चलती रही है कई चलरों में ये रेड, इनको आज याद आई है क्या रेड कर रहे हैं ये, वो तो कुछ शुद्ध तो है नहीं, दिखावा करने लग जाते हैं बीच में। मैम अनिल विज को गृह मंत्रालय मिला, उनके बाद उन्होंने छापेमारी की पानीपत के अंदर, तो आप समझते हैं कि इससे फर्क पड़ेगा प्रशासन पर? तो सरकार को केवल दिखावा करना आता है, आप देखिए ये जो भी कुछ करते हैं केवल पब्लिसिटी के लिए करते हैं, इनका हर काम एक पब्लिसिटी स्टंट होता है, अगर सही मायने में कुछ ज़मीन पर नजर आए तो बात है ना, ये तो इनकी गलत नीतियों के कारण है जो ये सब कुछ हो रहा है, ऐसे स्टंटबाजी से क्या होगा? 5 साल सरकार चलेगी लगता है आपको? नहीं लगता, ये तो हरियाणा के जन जन कह रहा है ये सरकार कैसे चलेगी जब मत इनके खिलाफ था, और अभी ये इन्होंने जोड़ तोड़ के जैसे भी कोशिश की है, मुझे नहीं लगता है ज्यादा दिन चलेगा। कांग्रेस एक्टिव होगी, एक्टिव मूड में आ गई कांग्रेस। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।